अच्छा ये देखिए, हम लोग लोकोक्तियाँ पढ़ते हैं हिंदी में। लोकोक्तियाँ और मुहावरे के समान ऐसे वाक्य होते हैं जिसका कुछ विशेष अर्थ होता है। मेन चीज़ आप ये समझिए कि लोकोक्ति का मतलब है लोगों के अनुभव पर आधारित कहा गया वह वाक्यांश जो पूरे लोक में प्रचलित हो जाए, इसे कहावत या जनश्रुति भी कहा जाता है। इसको इंग्लिश में प्रोवर्ब्स भी बोलते हैं। तो लोकोक्तियाँ जो है मुहावरे के समान ही होते हैं, लेकिन लोगों के अनुभव पर आधारित होता है जो पूरे लोक में प्रचलित होता है, और ये कहावत या जनश्रुति भी कहते हैं। तो उदाहरण स्वरूप यदि हम बात करते हैं, जैसे पहला है हमारे पास लोकोक्ति की अक्ल बड़ी की भैंस, मतलब शारीरिक बल की अपेक्षा बुद्धि बल श्रेष्ठ होता है। अब इसके उदाहरण भी है, खरगोश ने अपनी चतुराई से शेर को कुएं में गिरा दिया। एक स्टोरी था ना, जो खरगोश नीले कलर का हो गया था तो उसको देख के बताता था भाई नया राजा हो गया, तो शेर को भी डरा दिया था अपनी बुद्धि दिमाग से, और फिर साथियों से बोला कहो अक्ल बड़ी की भैंस। उसी तरीके से दूसरा उदाहरण देखिए, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, मतलब परीक्षा शुरू होने के पहले यदि आपने तैयारी नहीं किया तब परीक्षा हो जाने के बाद तैयारी करके क्या होगा। तो जो भी करना है परीक्षा होने से पहले करोगे तब तो ठीक है, नहीं तो फिर यही लोकोक्तियाँ सब बोलेंगे अपने अनुभव के आधार पर कि मौका निकल गया तो अब बेकार पछताने से क्या होगा, आपके नंबर थोड़ी बढ़ जाएंगे। तीसरा है अंधों में काना राजा, मतलब मूर्खों में थोड़ा समझदार। सतीश अनपढ़ गांव वालों में कुछ पढ़ा लिखा युवक है, या यूं कहो कि वह अंधों में काना राजा है। अगला एग्जाम्पल है अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, मतलब अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। भ्रष्टाचार के खिलाफ सभी को एकजुट होना पड़ेगा क्योंकि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। उसी तरीके से है थोथा चना बाजे घना, असमर्थ होते हुए भी बढ़ चढ़ कर बोलना। अनिल की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है फिर भी वह हमेशा झूठी शान दिखाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे थोथा चना बाजे घना। खोदा पहाड़ निकली चुहिया, ज्यादा परिश्रम के बाद भी कुछ नहीं मिलना। दिन भर आपने गेम खेला, पढ़ाई में नंबर कम आ गए, तो खोदा पहाड़, इतनी मेहनत किया आपने गेम खेलने में लेकिन रिजल्ट हो गया डिब्बा। तो आपका जो गेम खेलने में आपने इतना ज़्यादा परिश्रम किया वो तो वही हो गया कि खोदा पहाड़ निकली चुहिया। इसलिए पढ़ाई पर ध्यान दो, पहाड़ मत खोदो कि मैं दिन भर तो खेला क्या निकला। आम के आम गुठलियों के दाम दुगुना लाभ होना, कपड़ों की खरीद पर भारी छूट के साथ एक थर्मस भी उपहार में मिला, इसे कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। आ बैल मुझे मार, स्वयं ही मुसीबत में पड़ना। आंधी तूफान में गाड़ी चलाना बिल्कुल ऐसा ही है कि आ बैल मुझे मार। एक बार ऐसी घटना हुआ, खूब तेज आंधी चल रहा था, दुबले पतले मोटरसाइकिल पे जा रहे थे, हवा मोड़ गए, गिर गए नीचे, उधर से गाड़ी आई बड़ी ट्रक, कुचल के पैर तोड़ दिया। तो वही हो गया आ बैल मुझे मार। एक पंथ दो काज, एक समय में दो कार्य कर लेना। मैं देहरादून एक जलसे में गई थी तो मामा जी को भी मिलाई, तो मैंने क्या कर लिया, एक पंथ दो काज कर लिए। एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, एक दोस्त पहले से हो और दूसरे दोस्त भी आ मिले। रवि ने सिगरेट के साथ शराब पीना भी शुरू कर दिया, यह तो बिल्कुल ऐसा ही है कि एक करेला दूजे नीम चढ़ा। एक अनार 100 बीमार, मांग अधिक वस्तु कम। टमाटर का भाव आजकल बहुत दुगना हो गया है, 400-200 रुपया किलो। तो वही है एक अनार और 100 बीमार। कंगाली में आटा गीला, कठिन समय में और मुसीबत आ पड़ना। घर का भेदी लंका ढाए, जिस पर भरोसा हो वही दूसरों को भेद बता दे।
कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, अस्तर समान न होना। गांधी जी की तुलना आजकल के नेताओं से मत करो, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। लोकोक्ति, कुछ अन्य लोकोक्तियों के अर्थ भी जाने, जैसे क्या है, कोयले की दलाली में मुंह काला, बुरे काम का बुरा फल, दूध का दूध पानी का पानी, ठीक न्याय करना, चोर की दाढ़ी में तिनका, चोर अपने हाव भाव से पहचान लिया जाता है, चमड़ी जाए दमड़ी न जाए, बहुत कंजूस होना, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, अयोग्यता छिपाने के लिए बहाने बनाना, चिराग तले अंधेरा, अपने गुण दोषों से अनभिज्ञ होना, धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का, कहीं का भी न रहना। गेम खेल के समय पास कर लोगे, न तो गेमर होगे न तो पढ़ने के होगे। नाच न जाने चिराग तले अंधेरा, धोबी न रहेगा बांस न बाजेगी बांसुरी, कारण को ही समाप्त कर देना। दूर के ढोल सुहावने, दूर से हर चीज अच्छी लगती है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, मूर्ख को गुणों की पहचान नहीं होती, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, सभी लोग या वस्तुएं समान नहीं होती, मुंह में राम है और बगल में छुरी है, ऊपर से मित्र अंदर से शत्रु, जिसकी लाठी उसी की भैंस, शक्तिशाली से सब डरते हैं, मान न मान मैं मेरा मेहमान, बिना किसी पहचान के व्यवहार करने लगना, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा कर्म वैसा ही फल, जो गरजते हैं सो बरसते नहीं, बढ़ चढ़कर बोलने वाले कुछ नहीं कर पाते, डूबते को तिनके का सहारा, मुसीबत के समय थोड़ी सी भी सहायता काफी होती है।